दोस्तों, आइशर मोटर्स के ट्रक्स इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो आज ऐसे ही एक ट्रक के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिसका प्राइस, माइलेज और भी जो बाकी स्पेसिफिकेशंस हैं उसमें ये आपके लिए बहुत अच्छा सूट करने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहते हैं। दोस्तों, आइशर का प्रो 2049 ट्रक एक ट्रक है जो सब 5 टन कैटेगरी का एक मिनी ट्रक है, और इसको इंडिया की रोड्स में बहुत ज़्यादा आपने चलते हुए देखा होगा। बेस्ट इन क्लास इसका माइलेज रहता है, मॉडर्न फीचर के साथ, मॉडर्न कैबिन के साथ ये आपको मिल जाता है। दोस्तों, अब शुरू करते हैं इसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके ग्रॉस व्हीकल वेट कैपेसिटी और पेलोड कैपेसिटी के साथ। इसकी ग्रॉस व्हीकल वेट कैपेसिटी रहती है 4,995 kg, यानी कि लगभग 5 टन के करीब। और पेलोड कैपेसिटी की बात करूं तो इसमें आप 3,500 kg तक का पेलोड लेके जा सकते हैं, यानी कि लगभग 3.5 टन के करीब। व्हील बेस दो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, 2580 mm और 3370 mm। अगर इसकी बॉडी की लेंथ की बात करें तो 3177 mm की लेंथ एक मिल जाती है, और दूसरी आपको 3658 mm की लेंथ मिल जाती है। दोस्तों, जो इसका बॉडी का साइज विड्थ रहता है, दो विड्थ ऑप्शन में ये आपको मिलेगा, 1873 mm और 2111 mm। अगर इंजन की बात करूं तो इसमें आपको 3 सिलेंडर वाला इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 2 लीटर कैपेसिटी का रहता है। इसका इंजन BS6 नॉम्स के साथ आता है, और ये आपको 75 kW की मैक्सिमम पावर, यानी कि लगभग 100 हॉर्स पावर के करीब मैक्सिमम पावर जनरेट करके देता है। इसके टॉर्क की बात करूं तो 285 Nm का टॉर्क इसमें आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये डीजल से चलने वाला इंजन यहाँ पर आपको इस ट्रक में लगा के दिया जाता है। ट्रांसमिशन की बात करूं तो 5 स्पीड गेयरबॉक्स आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर का ऑप्शन यहां पर रहेगा। दोस्तों, जो इसका स्टीयरिंग रहता है, यहां पर आपको पावर स्टीयरिंग देखने को मिलेगा, और जो ये पावर स्टीयरिंग रहता है, ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक पावर स्टीयरिंग रहता है, जिसको ड्राइवर अपनी हाइट के हिसाब से और अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। ब्रेक्स की बात करूँ तो इसमें आपको हाइड्रोलिक ब्रेक्स देखने को मिलेंगे, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स और रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक्स यहाँ पर आइशर कंपनी लगा के देती है। सस्पेंशन देखें इस ट्रक का, तो इसमें आपको सेमी इलेक्ट्रिक लिप्स वाला सस्पेंशन देखने को मिलेगा फ्रंट और रियर में, और यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक डबल एक्टिंग शॉक एब्जॉर्बर्स फ्रंट साइड में आइशर मोटर्स इस ट्रक में लगा के देती है। दोस्तों, ग्रेडेबिलिटी इस ट्रक की बहुत अच्छी रहती है, 34% की ग्रेडेबिलिटी, यानी कि चढ़ाई चढ़ने की क्षमता के साथ ही आपको मिल जाता है। इसमें आपको 280 mm डाया का क्लच यहाँ पर आइशर मोटर्स ने लगा के दिया है, और ये आपको 7x16 14 PR के टायर्स देखने को इसमें आपको मिल जाते हैं। दोस्तों, फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 60 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक इसमें आइशर मोटर्स ने यहाँ पर लगा के दिया है, जिससे इसकी रेंज और फ्यूल भरने की जो कैपेसिटी रहती है वो बहुत अच्छी खासी रहती है। यहाँ आपको एडब्लू टैंक भी देखने को मिलेगा, जिसकी कैपेसिटी रहती है 27 लीटर की कैपेसिटी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो बहुत अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 190 mm का बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट बैटरी सिस्टम इसमें देखने को मिलेगा, यानी कि एक सिंगल बैटरी आपको देखने को मिलेगी, जो कि 100 एम्पियर आवर की रहती है। दोस्तों, कैबिन की बात करूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त लुक के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर 1.8 मीटर वाइड कैबिन आपको देखने को मिलेगा, जो कि टिल्टेबल कैबिन रहता है। इसमें आपको बहुत सारा यूटिलिटी फीचर्स देखने को मिलेगा, और जब भी आपकी गाड़ी में कोई भी इंजन से रिलेटेड काम हो तो आप अपने कैबिन को टिल्ट करके बिना किसी मुश्किल के कैबिन के नीचे इंजन को और अन्य चीज़ों को रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, वारंटी की बात करूँ तो यहाँ पर 1 साल या अनलिमिटेड किलोमीटर की व्हीकल में आपको वारंटी देखने को मिलेगी, और 3 ईयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी आपको इंजन और गियरबॉक्स में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इस ट्रक के माइलेज के बारे में। अगर आप आइशर का ये ट्रक लेते हैं तो आपको कितना माइलेज देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप आइशर का ये ट्रक लेने का प्लान करेंगे, आइशर प्रो 2049, तो आपको इसमें 11 से 12 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देखने को मिल सकता है। जो हम आपको माइलेज की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बेस्ड ऑन इंटरनेट रिसर्च दे रहे हैं, एग्जैक्ट माइलेज के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार आइशर मोटर के शोरूम में जाकर आप पता जरूर कीजिए। अगर बात करें इसके प्राइस की, कि आप अगर आइशर प्रो 2049 2024 में लेने का प्लान कर रहे हैं, तो ये आपको मिल सकता है 12.16 लाख रुपीज के एक शोरूम प्राइस से। दोस्तों, जो हम आपको ये इसका प्राइस बता रहे हैं बेस्ड ऑन इंटरनेट रिसर्च एक शोरूम प्राइस बता रहे हैं, एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा नियरेस्ट आइशर मोटर के शोरूम को। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, एंड वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।